अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्फिनिक्स हॉट वेल्व की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा कि आप इन्फिनिक्स फ़ोन की वारंटी कैसे चेक करनी। इसके लिए आपको कोई भी क्रोम के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने फ़ोन की एप्लीकेशन से ही वारंटी को चेक कर सकते हैं। चले आए हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ आपने कैसे चेक करनी। सबसे पहले आपने ये सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इन्फिनिक्स आईडी वाले ऑप्शन को। जैसे ही इन्फिनिक्स आईडी वाले ऑप्शन को आपने ऑन करना है, आपने आना है ई वारंटी कार्ड के अंदर। आप देख सकते हैं ये रही मेरे फ़ोन की वारंटी, 13 डेट है, 10 मंथ है और 2023 को मेरे फ़ोन की वारंटी है वो एंड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। इन्फिनिक्स फ़ोन की मोर कनेक्शन के अंदर आना है। सो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं क्रोमबुक, ये फ़ोन क्रोमबुक से भी लिंक हो जाता है जो कि बाकी डिवाइसेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि इन्फिनिक्स के अंदर ही ये फीचर है क्रोमबुक वाला। उसके बाद हम आएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये आ गया रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अगर आप 90 हर्ट्ज यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपको स्क्रीन की जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं तो आपकी बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा निकलेगी, और अगर ऑटो रिफ्रेश कर देते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू एक्चुअल यूज़ के ऊपर वो ऑटो यूज़ कर लेगा। ठीक है, मैंने 90 हर्ट्ज़ किया हुआ है जिससे मुझे रिफ्रेश रेट, स्क्रीन स्मूथनेस बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, आप अपनी चॉइस से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और नया फीचर है जो सिर्फ मैंने अभी तक इन्फिनिक्स कंपनीज के न्यू मॉडल्स में देखा है, कीप स्क्रीन ऑन। बेसिकली अगर आप देखें तो ओप्पो वीवो के फ़ोन के अंदर 30 मिनट्स का टाइम होता है, ये कीप स्क्रीन ऑन का फीचर नहीं दिया हुआ। कीप स्क्रीन ऑन का मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि आपके फ़ोन की स्क्रीन चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अल्ट्रा टच। ये भी जो फीचर है ये आपको सिर्फ इन्फिनिक्स के फ़ोन में देखने को अभी तक मिला है। इससे ये देखें, जो मैंने अल्ट्रा फास्ट किया हुआ है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मैं बैक जा रहा हूँ, आप चेक कर रहे हैं वीडियो के अंदर कितनी जल्दी से ये बैक चला गया है। ये सिर्फ अल्ट्रा टच की वजह से ये स्वाइप बैक जा रहा है बहुत स्पीड के अंदर। मोशन स्पीड भी आप फास्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले से ही फास्ट की हुई है। ये आप अगेन चेक करें, मैंने भी बैक किया कितनी स्पीड से ये बैक आया है। तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम चलते हैं। अब हम आएंगे ये किड्स मोड के नीचे वाले ऑप्शन के अंदर, पावर के अंदर। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम पावर बूस्ट को अगर हम ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, 0.7 hours हमारी बैटरी बहुत ज़्यादा और अच्छी निकालेगी अगर हम इसका बैटरी सेवर मोड ऑन करते हैं। ये हमें आना है बैटरी सेटिंग्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, सेकंड वाला चार्जिंग कंप्लीटेशन टोन। जब इस फ़ोन की चार्जिंग फुल हो जाएगी तो इसके एक टोन की आवाज़ आएगी जो कि सिर्फ इसी फ़ोन की कंपनीज के मॉडल ने दिया हुआ है, इन्फिनिक्स कंपनीज ने। और मेरा ख्याल है अभी तक किसी भी कंपनी ने ये वाला फीचर नहीं दिया हुआ कि अगर हम बैठे हुए हैं तो जैसे ही हमारा मोबाइल की चार्जिंग 100% फुल हो जाती है तो ये चार्जिंग की टोन ऑन हो जाएगी। ये फीचर इनका बहुत अच्छा लगा मुझे, इन्फिनिक्स वालों का। ठीक है, अब इनके आते हैं स्पेशल फंक्शन के अंदर। इनके स्पेशल फंक्शंस क्या क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले मेम फ्यूजन के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम अपनी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे वीवो ओप्पो ने दिया हुआ है इस तरह इस इन्फिनिक्स के भी हम रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो रैम एक्सपेंड इसने 2, 3 और 5 GB दी हुई है, मैंने 5 GB को ही सिलेक्ट किया हुआ है। इस टाइम इस फ़ोन की रैम आलमोस्ट 11 GB है और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता ये इसकी रैम 5 GB भी हो। ये सब कंपनी ऐसे ही, कौन बंदा आपको 45,000 वाले फ़ोन के अंदर 11 GB रैम दे? ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, मेरा ख्याल है 5 GB भी मसा होनी है। और अब दूसरे फीचर की तरफ आते हैं, सोशल टर्बो के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये फीचर बहुत ही मज़े का है। अभी मेरे पास व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है, वरना मैं आपको यूज़ करके दिखाता। वॉइस चेंज कर सकते हैं इसमें, जब हमारी कॉल चल रही होगी हम जिस तरह की मर्जी लड़कियों की आवाज़ निकाल सकते हैं, बच्चों की, या फिर जिस टाइप की हम आवाज़ चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। और ये वीडियो ब्यूटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, हमारे ब्यूटी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली ये फीचर तो कुड़ियों के लिए है। और
बैक आते हैं हम। उसके बाद इसमें आना है हमें एक्शन गेस्चर के अंदर। इसमें सिर्फ मुझे आपको एक ही फीचर बताना है, राइज टू एयर, ये वाला फीचर। जैसे ही इसे मैं इनेबल करूँगा फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे ही मुझे कोई कॉल आ रही होगी मैं कॉल पिक भी नहीं करूँगा और मैं सिर्फ कान पर लगाऊंगा और मेरी कॉल रिसीव हो जाएगी। देखने वाला बंदा जो पास करा होगा वो हैरान हो जाएगा, यार इसने कॉल रिसीव भी नहीं की और ये बंदा डायरेक्ट कान के साथ लगा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये फीचर का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ये ओप्पो में भी फीचर मैंने पहले देखा हुआ है, ये बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे लगा है, जो हम कान के साथ सिर्फ फ़ोन लगाएंगे और हमारी कॉल पिक हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, पीक प्रूफ के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये वाला फीचर मुझे बहुत ही रियली मज़े का लगा है। इसका मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। इसे जैसे ही मैंने ऑन किया, ये मेरे पास स्क्रीन सी बन के आ गई है, ठीक है। इसको मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ और इसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मैं स्क्रीन का ये वाला हिस्सा यूज़ करूँ, तो इस हिस्से को मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ तक इंग्लिश लिखी हुई है ना, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाकी हिस्सा ना देखूँ, सिर्फ इसे ही देखता रहूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा तेज़ किया, आप साइडें ऊपर से देख सकते हैं ब्लैक हो गई हैं और सिर्फ हमें ये वाली स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं बैक भी आके दिखा देता हूँ। सिर्फ जितनी स्क्रीन के ऊपर जो जो चीज़ें आएगी वो हम यूज़ कर सकते हैं। और अब ऐसे मैं, ये भी फीचर इनका बहुत मज़े का लगा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी के पास बैठे हुए हैं, आप उसे दिखाना नहीं चाह रहे, तो आप इन्फिनिक्स का ये वाला फीचर यूज़ करके मज़ा उठा सकते हैं। अगला बंदा हैरान हो जाएगा, यार ये अभी भी फ़ोन पे लगा हुआ है, पर उसे नहीं पता कि आप इन्फिनिक्स का ये वाला फ़ीचर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सीन हो गया। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फीचर की तरफ लेके चलता हूँ। अब नेक्स्ट फीचर है इसका, सिस्टम के अंदर आएंगे। अब इससे यहाँ से आकर आप फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली आप सभी को ही पता होगा। और रीसेट अगर आपके, फॉर एग्जांपल, सम टाइम्स ये होता है कि आपके फ़ोन का वाईफाई अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता, या फिर मोबाइल डाटा या ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रही होती, तो आपको चाहिए पहले ये वाला रीसेट करें। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इशू आ जाता ना, तो बंदे पर्सन क्या करते हैं कि सारे फ़ोन को रेज ऑल डाटा को क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत करें। जो भी आपकी डाटा फाइल्स वगैरह होती हैं, सब कुछ करप्ट हो जाता है इनके अंदर। और अगर इनके नेविगेशन के अंदर आए, जो इन्होंने दिया हुआ है इन्फिनिक्स वालों ने, तो इन्होंने सिर्फ दो ही दिए हुए हैं, जो नॉर्मल है और एक स्वाइप अप। इसमें आपको मज़ीद और देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे फीचर इन्फिनिक्स के। किड्स मोड का आपको आइडिया हो गई, बच्चों को देने के लिए आप सिर्फ किड्स मोड ऑन कर देते हैं। जिस ऐप को आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही ऐप ऑन होगी, उसके अलावा कोई ऐप ऑन नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।